Namaste. I am Arik Sanizal, Secretary of 11th tenure of Hatemalo Nepali Students Group. To start with the interview series, today we have with us a teacher who has dedicated 10 years to the welfare of the students, a teacher who has paved the path to success of many students, a teacher who has been well-wisher of Nepali students and HNSG for a long period of time. Let's welcome our guest of the show, CA Nitin Gupta sir. Welcome to the show, sir. Thank you. How are you doing? I'm doing great with Batik Nakal. We would love to hear your journey on being a chartered accountant and now a reputed faculty of CA Audit, Intermediate and Final. I was qualified a chartered accountant in May 2008 attempt. I still remember ki jab 12 July 2008 ka din tha, jis din mera birthday tha, उस दिन मुझे एक गॉड गिफ्ट मिला था और मैं क्वालिफाई हुआ था एज चार्टर्ड अकाउंटेंट. जर्नी अच्छी थी बिकॉज पढ़ने का शुरू से ही काफी शौक था. मैं डायरेक्ट एंट्री से था आफ्टर बीकॉम एंड फर्स्ट ग्रुप था हमारे पास सीए इंटर का. उस टाइम पे पीई टू हुआ करता था, वो क्लियर था फर्स्ट अटेम्प्ट में. एंड केवल सीए में कह सकता हूँ एक फेल्योर का सामना किया था जब सीए पीई टू में सेकेंड ग्रुप में एक झटका लगा था. देर आफ्टर सीए फाइनल में आया था और फर्स्ट शॉट में बोथ द ग्रुप मैंने क्लियर किए थे और 12 जुलाई 2008 को मैं क्वालिफाई हुआ था स्टैंडर्ड अकाउंटेंट. रिसेंटली आईसीएआई डिक्लेयर्ड इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट्स, सो हाउ डू एनालाइज द रिजल्ट एंड हाउ डू रिफ्लेक्ट योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सक्सेस ऑफ द रिजल्ट? रिजल्ट वॉज प्रीटी गुड. आईसीएआई ने काफी हद तक एक अटेम्प्ट कराया कि यार ऐसी क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जिनके पास नॉलेज ना हो, केवल रट के पास हो रहे थे, उनके लिए लगा दिया गया एक बैरियर. कि जब बच्चा एंट्री करता है उसने केवल देखा कि पीएम में कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, रिपीट मोड पर आते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं पास्ट में क्या कर रहा था कि वो उन क्वेश्चंस को रटना अटेम्प्ट कर रहा था और रट के देख रहा है कि यार एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन बनते हैं, अकॉर्डिंगली वो उनको अटेम्प्ट करके एक या दो अटेम्प्ट में अगर लग भी जाते हैं तो पासिंग मार्क्स को वो लेकर चल रहा था. तो इसलिए यहां पर क्या हुआ कि एक एमसीक्यू पैटर्न को लेकर आया यहां पर. तो शुरू में शायद थोड़ा झटका लगे बच्चों को, लेकिन जो रिजल्ट की बात करते हैं तो धीरे धीरे हम देखेंगे इस चीज के अंदर इंप्रूवमेंट मिलनी हमें शुरू होगी बिकॉज बच्चा इस ट्रेंड पर एक साथ नहीं आएगा. तो अकॉर्डिंगली अब मैं बोलूंगा कि जो एक न्यू एजुकेशन स्कीम आईसीएआई लेके आया है ये एक प्रॉपर कंसेप्ट बिल्डिंग अप्रोच होगी. तो एक अच्छा स्टेप है आईसीआई का और रिजल्ट धीरे धीरे हम देखेंगे इंप्रूव होगा और उसमें बच्चे की क्वालिटी इंप्रूव होगी और अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट निकल के आएंगे आगे जाके इस देश के लिए. इन एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेटिव मार्केट स्टूडेंट्स हैव hard time choosing a faculty. So how would you describe yourself as a promising faculty and assure newcomers to join you? देखिए, एक अच्छी फैकल्टी होने के लिए क्या गुण आपके अंदर होने चाहिए, मैं कुछ तारीफ करने वाली बात नहीं बोलूंगा, लेकिन इसमें चाहिए एक डेडिकेशन. फैकल्टी शुड रिकॉग्नाइज व्हाट डिफिकल्टीज द स्टूडेंट्स आर फेसिंग. प्रॉब्लम कहां है उन्हें, अगर मुझे एक अच्छी फैकल्टी होना है तो मुझे स्टूडेंट के पेन को रियलाइज करना होगा. आई मस्ट रियलाइज द पेन द स्टूडेंट सफर आफ्टर गेटिंग फेलियर. कि बच्चा फेल होता है तो हमने बच्चों को टूटते हुए देखा है, हम उस पेन को फील करते हैं कि यार हमसे बच्चा पढ़ा और बच्चा फेल हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है. तो एक अच्छी फैकल्टी होने के लिए मैं बोलूंगा कि हमें उस पेन को समझना चाहिए, यानी कि हमें उस रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो कि बच्चा अदरवाइज फेस कर सकता है. मैं फैकल्टी किस लिए हूं, ताकि मैं बच्चे को एक क्वालिटी डिलीवर करूं. तो हम केवल कंटेंट ओरिएंटेड बात करेंगे. अब कंटेंट ओरिएंटेड बात करना है मतलब मेन पर्पस है कि बच्चा क्लास को ज्वाइन करता है तो बच्चा वो यहां से पास होकर निकले, हमारे पेपर में वो अच्छा स्कोर करे. तो मैं ये बोलूंगा एक अच्छी फैकल्टी वो जो अपने पेपर के लिए पूरी तरीके से डेडिकेट रहे, बच्चों को प्रॉपर कंसेप्ट डिलीवर करे, बच्चों की प्रॉब्लम में उसके साथ खड़ा हुआ हो, बच्चा कहीं प्रॉब्लम फेस करता है तो वो हमसे आके मिलता है, उसको प्रॉपर टाइम दे. ऐसा ना हो कि यार बैच खत्म हुआ और बैच खत्म हो जाने के बाद बच्चा कॉन्टेक्ट करता है तो रिसेप्शन पे तो आप कॉन्टेक्ट कर पा रहे हो लेकिन फैकल्टी से आपका कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, वो भी चीज गलत है. तो एक अच्छी फैकल्टी के लिए मैं ये बोलूंगा प्रॉपर डेडिकेशन चाहिए आपका आपके स्टूडेंट्स के लिए. वी केम टू नो दैट यू गेट द स्टूडेंट्स टू राइट क्वेश्चन आंसर ऑन अ डेली बेसिस व्हिच इज टर्म्ड एज द यूएसपी ऑफ योर सक्सेस. यस यस वी हैव आल्सो विटनेस्ड students quoting that
they refer your notes and secure exemption. So what is the uniqueness of your notes? Uniqueness, as per my thinking, there are two factors which play a lead role in the success of the students in the examination. And these two key factors are your content and your presentation. If you are writing in exam, but your content is not as per the study material of ICAI, then you cannot get higher marks. Even you cannot pass in the examination if you are not writing the content as per the study material of the ICAI. And the second thing, if your content is as per the study material of ICAI, but your presentation is poor. And what is the poor presentation? Ki aap paragraph form mein likhe aa rahe ho yaar, aap point wise likhe nahi aa rahe. Ab khud sochiye ki ek copy mere samne hai. मुझे उस कॉपी को चेक करना है और मुझे पता है कि मैं इस कॉपी में 5-10 मिनट से ऊपर का टाइम इन्वॉल्व नहीं करूंगा और वो कॉपी अगर मेरे सामने एक पैराग्राफ फॉर्म में आ गई तो मैं उस कॉपी को उतना इफेक्टिव मैनर में चेक नहीं कर पाऊंगा. बट हम कहते हैं क्लास के अंदर कि आप लिख के आइए और आपको अपना आंसर पॉइंट वाइज प्रेजेंट करना है. इफ यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर इन पॉइंट वाइज एंड यू आर अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स, देन एग्जामिनर विल डायरेक्टली अट्रैक्ट टू दीज कीवर्ड्स. And these keywords are as per the content or the study material of the ICI. मतलब copy कुछ ऐसी हो कि ICI का जो examiner है, जो आपकी copy check कर रहा है, वो आपकी copy check ना करे, उससे आप अपनी copy को check करवाइए. तो usually हम class में क्या करते हैं कि हम daily basis पर एक class में question को announce करते हैं कि आज ये question है, घर जाके तैयार करिए. आज class में discuss हुआ था वो question, घर जाइए question को आप तैयार करिए. और तैयार करने के बाद उसका आंसर मैं आपसे कल लिखवाऊंगा क्लास के अंदर. एंड आई विल अलाउ द स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली 5-10 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द आंसर. तो बच्चा क्लास में वो आंसर को लिखता है और उसकी कॉपी को हम क्लास में कलेक्ट कर लेते हैं एंड उस कॉपी को हम कैरी करते हैं. मैं और सुमित सर दोनों पर्सनली वो आंसर चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन प्रॉपर है या नहीं. जहां पर दिखा दिया कंटेंट हिला है, एस ए कोड नहीं करा, सेक्शन नंबर कोड नहीं करा, कीवर्ड कोड नहीं करे, नंबर ठक से बेटा नंबर कटेगा उसका. और प्रेजेंटेशन पुअर है तो नंबर कटेगा. भाई इतना सी बात है कि यार प्रेजेंट करना है आपको आंसर बहुत अच्छी तरीके से एज पर द कंटेंट ऑफ द स्टडी मेटेरियल ऑफ आईसीआई. थियरी के पेपर में स्कोर करने का एक गुरु मंत्र यही है कि आपको अपना पेपर पे जो कमांड चाहिए वो दो चीजों पर स्ट्रॉन्ग करिए आप, एक अपना कंटेंट और दूसरा आपका प्रेजेंटेशन. If your content is as per the study material of ICI and your presentation is perfect, point-wise, underlining the keywords, then definitely you will achieve at least exemption mark, whether it is paper of EISSM or is a paper of auditing. Sir, you are well known for providing summary notes, MCQs, short question answers free of cost. You provide them free of cost despite the fact that it can be sold. So what is the reason behind such generous act? अगर मेरे अंदर कोई क्वालिटी है तो मैं चाहूंगा कि मेरी क्वालिटी से बच्चे को कोई ना कोई बेनिफिट मिलना चाहिए. मैं एक ऐसा टीचर नहीं हूं कि मैं ये चाहूंगा कि यार जिस चीज से बच्चे की हेल्प हो सकती है उस चीज से मैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट कमाना चाहूंगा. हाँ, क्लास बच्चा आता है तो देखो सिंपल सी बात है, ह्यूमन बींग हूं तो पैसे कमाने मुझे भी हैं, लेकिन एक रीजनेबल कॉस्ट पर. वे टू पिनाकल में अगर आप देखोगे तो किसी भी क्लासेस के लिए, चाहे वो ESSM हो या ऑडिट हो, हम बच्चे से एक रीजनेबल फीस से ज्यादा चार्ज नहीं करते. जब मार्केट में आपका एक अच्छा नाम हो जाता है किसी भी पेपर के अंदर, तो आप देखते हो कि फैकल्टी अपनी जो फीस होती है उसको 12,000-15,000 तक लेके जाती है. बट इवन टुडे एट वे टू प्रेकल वी आर चार्जिंग अप्रोक्सीमेटली 12,000 फॉर बोथ द पेपर, दैट इज EISSM एंड ऑडिटिंग. बिकॉज बच्चे से कमाना नहीं है, बच्चे को पास करवाना है. हाँ, कमाना है, ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूं कमाना है, बट ये नहीं कि बच्चे को बता निचोड़ डाला आपने. एक रीजनेबल तक बात करेंगे ना, उससे ऊपर जितना हम बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एंड पर हम सर्व कर सकते हैं बच्चे के लिए, उसको हम सर्व करेंगे. तो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, समरी नोट्स आते हैं, MCQ आते हैं, तो हर बार जब रिजल्ट आता है मैं मार्केट में इनको फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउ करता हूं. फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब कि मैं किसी एक फोटो स्टेट वाले को कहूंगा कि लगभग 5,000 या 100 के आसपास आप कॉपीज निकालिए और जो भी बच्चा आता है उसको आप नाम के साथ अलाउ करिए कि हाँ नितिन सर ने ये आपके लिए दिया है. इट इज अ गिफ्ट कि अगर अटेम्प्ट रुका है, अटेम्प्ट आप तैयार कर रहे हो तो आपका ये अटेम्प्ट निकलना चाहिए. बेस्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है जब बच्चा पास होता है ना, वो कहता है सर हमने आपके नोट्स पढ़े थे.
सर हमने आपका एमसीक्यू पढ़ा था, सर हमारे फ्रेंड ने आपसे क्लास ली थी, उसके मैंने नोट्स देखे थे और उससे मुझे हेल्प मिली है, इस इज द सेटिस्फेक्शन। अ जनरल कॉन्सेप्ट दैट थ्योरी सब्जेक्ट्स आर अ बिट बोरिंग एंड टू मेक मैटर्स वर्स स्टूडेंट्स टेंड टू पे लेस अटेंशन। सो हाउ डू यू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर एंगेज्ड एंड दैट दे आर रिलेटिंग टू योर टीचिंग मेथड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट थ्योरी पेपर्स आर नॉट बोरिंग, चाहे वो ESSM हो या ऑडिट हो या लॉ हो। ये केवल बच्चे की पढ़ने की अप्रोच होती है जो कि किसी पेपर को इंटरेस्ट या बोरिंग बनाती है। अगर आप ऑडिट पढ़ते हो और ऑडिट पढ़ते हो इसको अगर आप केवल थियरी ही मान के चलोगे कि मुझे केवल ये पढ़ना है और एग्जाम में लिखना आना है, तो वो आपको पक्का बोरिंग ही लगेगा। किसी भी चीज को इंटरेस्टिंग करना है तो आपको उसके पीछे के लॉजिक को समझना चाहिए। जैसे लाइक जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, बच्चा पहले उनको रटता है और अगर प्रॉपर रटा नहीं जाता तो उसको वो छोड़ देता है। उसके लिए स्टैंडर्ड्स क्या बन जाते हैं कि स्टैंडर्ड्स आर बोरिंग, बल्कि जब मैं कहता हूं कि स्टैंडर्ड्स आर वेरी मच इंटरेस्टिंग, क्यों? बिकॉज ऑडिट करने का जो स्टाइल होता है वो एज पर स्टैंडर्ड ही होता है, बट आपने कंसेप्ट पे नहीं गए, आपने केवल चीजों को रटा है, तो अगर आप चीजों को रटेंगे तो वो आपको वो चीजें हमेशा बोरिंग ही दिखाई देगी। अगर पेपर को इंटरेस्टिंग करना है तो आपको हर चीज के लॉजिक को समझना होगा। अगर आप रटोगे तो चीजें आपको बोरिंग ही दिखाई देंगी, बट कंसेप्ट पे जाएंगे इंटरेस्ट बनेगा, पेपर में आपका इंटरेस्ट आएगा और आप अच्छे नंबर थ्योरी के पेपर में स्कोर करोगे। स्टूडेंट्स यूजुअली डोंट क्लियर सी एग्जाम्स ड्यू टू लैक ऑफ एग्जाम राइटिंग प्रैक्टिस। यू हैव द स्कीम ऑफ क्वेश्चन आंसर ऑन अ डेली बेसिस, सो व्हाट अबाउट फुल ICI मॉडल टेस्ट फॉर एटलीस्ट अ बैच? वुडन्ट दैट बी फ्रूटफुल? डेफिनेटली इट विल बी फ्रूटफुल। ICAI भी मॉक टेस्ट पेपर लेती है, तो जिस तरह से मॉक टेस्ट पेपर ICAI में होते हैं, सेम इसी पैटर्न पर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बैच 2 या 3 मॉक टेस्ट पेपर वेटुपनेकल में करवाए जाते हैं। एटलीस्ट बच्चा रिकॉग्नाइज कर पाए कि 3 घंटे में वो कितना अच्छा कंटेंट और कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ लिख के आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीजें बच्चों की डेवलप करवाते हैं ड्यूरिंग द क्लास टेन्योर। जब क्लास चल रही होती है तो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 क्वेश्चंस की राइटिंग स्किल्स प्रॉपर क्लास में हो जाती है 1-to-1 बेसिस, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बैच देयर आर 2 or 3 मॉक टेस्ट पेपर्स। सो यू ऑल्सो प्रोवाइड पेन ड्राइव क्लासेस टू द स्टूडेंट्स, फॉर श्योर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेस टू फेस एंड पेन ड्राइव क्लासेस, सो हाउ डू इंश्योर एंड हाउ डू व्हाट फैसिलिटीज डू यू प्रोवाइड टू इंश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ पेन ड्राइव क्लासेस? The very common thing that I usually see in the students कि बच्चा क्लास में आता है बट रेगुलर नहीं आता, या क्लास में आता है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, आपस में इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं। पेन ड्राइव क्लासेस विल बी इफेक्टिव इफ यू आर वॉचिंग वीडियोज ऑन आर डिसिप्लिन अप्रोच। और रही बात क्वालिटी की कि पेन ड्राइव क्लासेस की क्वालिटी कैसा है, तो जैसा कंटेंट डिलीवर करते हैं हम अपने रेगुलर बैच में, हमने अटेम्प्ट किया कि सेम वैसी ही क्वालिटी को हम डिलीवर करें अपनी पेन ड्राइव क्लासेस के अंदर। सो इन द पेन ड्राइव क्लासेस स्टूडेंट्स विल गेट द सेम कंटेंट दैट इज एज पर द स्टडी मटेरियल ऑफ ICAI। देयर विल बी प्रॉपर प्रेजेंटेशन, दैट इज स्टूडेंट विल लर्न आफ्टर वॉचिंग द वीडियोज इन द पेन ड्राइव कि हमें किसी आंसर को एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट करके आना है। हमने अपनी USP चेंज नहीं करी है। जैसा पढ़ाने का अप्रोच फेस टू फेस क्लास में होता है, सेम वैसा ही पढ़ाने का अप्रोच हमारा पेन ड्राइव क्लासेस के अंदर है। दैट इज व्हाई पेन ड्राइव क्लासेस का हमारा जो रेफरेंस निकल के आ रहा है बहुत जबरदस्त निकल के आया। रीजन की बच्चे ने पेन ड्राइव को देखा है तो रिकमेंडेशन अच्छी निकल के आई है। सो पहले ESSM में पेन ड्राइव सुमित सर के साथ मेरा कॉम्बो नहीं था, बट जैसे ही हमने ESSM एंड ऑडिट में कॉम्बो लॉन्च करा है, इसकी सेल एक साथ बढ़ी। रीजन ये कि बच्चा को सेम वैसी चीजें मिल पा रही है जैसा बच्चा फेस टू फेस क्लास में हमसे एक्सपेक्ट करता है, वैसी डिलीवरी उसको पेन ड्राइव क्लासेस के अंदर मिली। We've acknowledged that you've been teaching audit for more than 10 years now. Approximately. Observing the market, we've seen that normally teachers sum up the audit lectures in around 75 hours. 25 lectures or 3 hours each. However, you provide audit lectures consisting of 150 hours. Approximately. So are the other teachers investing less time or are you investing more amount of time? How would you justify the situation? यहां पर मैं एक ही बात बोलूंगा कि पेपर को निपटाने में
और पेपर को कंप्लीट करने में फर्क है। अगर मैं निपटाने पर आऊं या कह सकते हो कि अगर सेमेस्टर और मैं निपटाने पर आए तो 50 घंटे में निपटा सकते हैं, लेकिन मैंने पहले कहा था कि हम मनी ओरिएंटेड नहीं है, मतलब बच्चे से पैसा कमाना का पर्पस नहीं है, बच्चे को यह है कि एक कंटेंट मिलना चाहिए। अगर ऑडिट का आप सिलेबस देखते हो तो ऑडिट का सिलेबस अपने आप में इतना वास्ट है कि 35 तो वहां पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। अगर एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पे अप्रोक्सीमेटली वन एंड हाफ आवर्स आप लेके चलते हो तो अप्रोक्सीमेटली 50 आवर्स तो आपका स्टैंडर्ड्स में आ जाते हैं। तो कोई टीचर कैसे जस्टिफाई कर सकता है, ये मेरी समझ के बाहर है कि 75 आवर्स में या 80 आवर्स में आप बच्चे को शॉर्टकट पढ़ा के कैसे आप उसका फ्यूचर खराब कर सकते हो। 75 या 80, देखो मैं किसी और टीचर के लिए कुछ बुरा नहीं कह रहा, लेकिन इतना कि 75 या 80 आवर्स में आप किसी पेपर को निमटा सकते हो अपने एंड पर, लेकिन बच्चे ने कितना रिटेन करा है वो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करना है तो उसके लिए टाइम लगता है, एक प्रोसेस का प्रॉपर टाइम होता है, आप उसे शॉर्टकट नहीं कर सकते। कोई भी सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको सक्सेस लेना है तो प्रॉपर आपको बेटा तपना होगा, भट्टी में तपना होगा, और जब तक प्रॉपर कंटेंट के साथ तैयारी नहीं करेंगे, स्टडी मटेरियल पूरा कवर नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी पेपर को क्रैक नहीं कर सकते। और यह बात बच्चे को रिलाइज हो जाती है, लेकिन एक या दो अटेम्प्ट हो जाने के बाद रिलाइज होती है। हमारे यहां पर क्या होता है, जनरली क्रैश कोर्स एक बैच होता है, क्रैश कोर्स में बच्चा जनरली जो कहीं और से पढ़ा था और उसके बाद फेल होने के बाद ज्वाइन करता है, तब रिलाइज होता है हमको कि बच्चे को इतनी छोटे छोटा कंसेप्ट पता नहीं होता। तो बस एक यही डिफरेंस बोलूंगा कि हम थोड़ा कंसेप्ट डेप्थ में जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे आवर्स लेक्चर्स के आवर्स की ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ी क्या थोड़ी बढ़ जाती है। सो वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंक्लूडिंग टुडेज इंटरव्यू। ओके, नवंबर अटेम्प्ट इज सो क्लोज नाउ, सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस गाइडेंसेस टू द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द नवंबर अटेम्प्ट। सीए तो क्या, अगर कोई भी एग्जाम हो तो मेरा पर्सनली थॉट है कि उसे क्लियर करने के आपके तीन गुरु मंत्र होते हैं, तीन। फर्स्ट वन इज हार्ड वर्किंग, सेकंड वन इज कंसिस्टेंसी, एंड द लास्ट वन इज डिसिप्लिन। इफ यू आर डूइंग हार्ड वर्किंग इन अ डिसिप्लिन अप्रोच कंसिस्टेंटली, देन यू विल डेफिनेटली अचीव द सक्सेस। सक्सेस हासिल करना है बस इन तीन चीजों को घोट के पी जाओ, कि मुझे हार्डवर्क के साथ काम करना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है और कंसिस्टेंटली काम करना है, आप पक्का 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 सक्सेस को हासिल करेंगे। तो जिनका भी अटेम्प्ट नवंबर में है उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और ये वो तीन अप्रोच को बेटा प्लीज, ये तीन अप्रोच को कौन कौन सी, डिसिप्लिन, हार्डवर्किंग एंड कंसिस्टेंसी, इनको आप फॉलो करना, बिलीव मी आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस अटेम्प्ट में आप पक्का ये अपना जो भी लेवल होगा, चाहे ग्रुप वन है या ग्रुप टू है या बोथ दी ग्रुप्स आप दे रहे हो, ये पक्का आप क्लियर कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यू हैव बीन सो क्लोज टू नेपाल एंड नेपाली स्टूडेंट्स एंड यू हैव बीन द वेल विशर ऑफ HNSG फॉर लॉन्ग नाउ, सो हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर रिलेशन विद द नेपाली स्टूडेंट्स एंड व्हाट इज ओपिनियन टुवर्ड्स आवर ऑर्गेनाइजेशन HNSG। सीरियसली स्पीकिंग, नेपाली स्टूडेंट्स आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सबसे पहले जो एक वर्ड मैंने याद कराया था, नेपाली बच्चों ने मुझे कुछ याद कराया था, वो था मौत मिलाई माया बुरछू। डेली मतलब मैं क्लास उन्हें ऑडिट पढ़ा रहा था और ऑडिट के बाद वो मुझे रिलाइज है कि उस बैच के मैं कुछ बच्चों के नाम भी बोल सकता हूँ। सुनील जो आपके एक्स प्रेसिडेंट थे वो उस बैच का पार्ट था और सीए बन चुके हैं। उस बैच में आई थिंक 7 या 8 नेपाली बच्चे थे और आज के टाइम पे 7 या 8 सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। गुंजना थी एक, जीना लगे एक, सो मैनी स्टूडेंट्स। मतलब ये के सामने आएगा मैं उसका नाम रिकॉल कर लूंगा कि हाँ ये बच्चा, मैं नाम से उसको आइडेंटिफाई कर लूंगा कि ये बच्चा मुझसे पढ़ा था। वो क्लास के बाद मेरी नेपाली क्लास लगाया करते थे और बोलते, सर बताइए कि अगर मुझे खाना खाना है तो आप क्या कहेंगे, मुझे पानी पीना है तो आप क्या कहेंगे, मुझे ऑडिट करना है तो आप क्या कहेंगे। ये सारी बातें मैंने याद तो करी लेकिन मैं भूल गया, बट एक बात मुझे आज तक याद रह गई, इट इज मौत मिलाई माया बुरछू, बिकॉज इट इज आई लव यू। ये याद रह गया, पता नहीं क्यों ये याद रह गया, बाकी मुझे नेपाल में कुछ भी नहीं आता। और मैंने ये भी देखा है कि नेपाली स्टूडेंट्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, बिकॉज जैसे ही उनका CPT हुआ करता था पहले, नाउ इट इज फाउंडेशन, जैसे उनका रिजल्ट आता था तो रिजल्ट आने के बाद मैंने ये देखा था कि बच्चा आके मेरी ऑडिट की क्लास को ज्वाइन कर रहा था, जबकि ऑडिट है सेकंड ग्रुप में, लेकिन बच्चा नेपाल से आता है और आते उसने हमारी क्लास को ज्वाइन कर लिया। अब मैंने कहा बेटा फर्स्ट ग्रुप सर वो भी चल रहा है, सेकंड ग्रुप भी चल रहा है, बिकॉज उसका सपना है कि 9 महीने बाद जब
अटेम्प्ट आएगा उसको बोध रूप निकालने हैं, और मैंने उनको बोध रूप निकालते हुए देखा। तो मतलब मैंने ये भी रियलाइज करा कि कुछ होते हैं स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हार्ड वर्किंग मैंने इतना देखी है वहां पर कि वो बोध रूप निकालते हैं। तो मैं हमेशा क्लास में नेपाली बच्चों का एक एग्जाम्पल देता हूं कि यार कुछ सीखना है तो उनसे सीखो, बिकॉज उनके मन में क्या है कि वो अपने देश को छोड़ के यहां पर पढ़ने के लिए आए हैं। एक पेन है, एक सपना है कि यार पेरेंट्स ने पैसा दिया हुआ है, यहां पर रह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, हाई जाती है, तो पेरेंट्स के ऊपर बर्डन ज्यादा ना आए, उनके जो सपने हैं वो जल्दी से जल्दी पूरा हो, वो उनके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। दैट इज वाई वो सक्सेस को काफी एक सिस्टमेटिक मैनर में आप कह सकते हो कि सक्सेस को वो हासिल करता है, प्लान करता है कि मुझे कब क्या टाइम पे क्या करना होगा। और मुझसे वो क्लास के बाद कई बार अपना स्टडी प्लान डिस्कस करते थे, सर कुछ ऐसा प्लान डेवलप करिए कि हाँ हम किस टाइम पे हमें क्या पढ़ना चाहिए ताकि हम अपने बोर्ड ग्रुप को क्लियर कर पाए। तो वो अपनी स्टडी को लेकर काफी ज्यादा, मैंने देखा है नेपाली बच्चा सीरियस तो होता है, तो यही कारण है कि नेपाली बच्चा मेरे दिल के काफी क्लोज है और वो हमेशा क्लोज रहेगा। इवन तो कई बार तो ये होता है कि बच्चा मुझे ऑफर करता है प्लीज आप काठमांडू आएंगे या नेपाल घूमने के लिए आएंगे, प्लीज एक फोन कर देना हम आपको लेने के लिए आएंगे सर, आपको घर पर जरूर आना होगा, चलता है सब कुछ ये, लेकिन आई लव यू ऑल, लव यू ऑल। और रही बात HNSG की, तो ये जो ग्रुप है ये नेपाली बच्चों के लिए मैं देखता हूं दिल्ली में काफी अच्छा कर रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम करने होते हैं, मॉक टेस्ट करवाने होते हैं, कई बार मैंने देखा है HNSG वाले आते हैं मेरे पास, प्रेसिडेंट होता है, ट्रेजरर जो भी होता है उनका, वो आता है कि सर प्लीज एक पेपर ड्राफ्ट कर दो, उन्हें बच्चों को टेंशन है, मतलब वो नेपाली बच्चों के लिए पेन लेते हैं, खैर नेपाल का बच्चा है तो बिखरा हुआ ना रहे, उनके लिए प्रॉपर गाइडेंस तैयार करना, उनके लिए प्रॉपर रोड मैप तैयार करना, एक कल्चरल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, गेस्ट फैकल्टी आती है, और देखता हूं वहां पर रेप्यूटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो गेस्ट फैकल्टी बनकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ग्रुप चाह रहा है कि यार नेपाल के बच्चों को एक अच्छी प्रॉपर डायरेक्शन मिले जब वो सीए फील्ड में आते हैं। सो आई ट्रस्ट कि यार ये जो ग्रुप है ये नेपाली बच्चों के लिए दिल्ली के अंदर एक वरदान से कम नहीं है, उन्हें प्रॉपर एक गाइडेंस कह सकते हो, रोड मैप आप कह सकते हो, HNSG उन्हें प्रोवाइड करता है। थैंक यू। फॉर स्टूडेंट्स थिंकिंग ऑफ टेकिंग क्लासेस फ्रॉम यू, हाउ कैन दे रीच यू और योर टीम? स्टूडेंट कैन रीच अस वेरी इजीली, सिंपली उन्हें काम करना होगा, हमारी वेबसाइट www.vtupnepal.com पे विजिट करना है, वहां पे हमारा रिसेप्शन नंबर है, उनको कॉल कर सकते हो, और उन्हें कॉल करके आप सुमित सर या मेरा नंबर ले सकते हो और हमसे आप बात कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आपको फिजिकली इंटरेक्शन करना है, मिलने के लिए आना है, तो अकॉर्डिंगली टाइम लेके वेटुपनेकल में आप हमसे मिलने के लिए भी आ सकते हो, वेरी इजी, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, ऐसा नहीं कि इसने क्लास लिया तो केवल उससे ही मिलना है, जिसको भी प्रॉब्लम होती है, बल्कि थोड़ी देर पहले हमने इसको पब्लिकली अनाउंस भी किया था यूट्यूब पे आके कि जिसको भी मिलना हो प्रॉपरली टाइम ले, और टाइम लेने के बाद अकॉर्डिंग सुमित सर या मुझसे वो मिल सकता है आके। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू for arranging time despite your heavy schedule. Wish you all the best for your future. Thank you, sir. Thank you so much.